नमस्कार, मैं नेहा वर्मा, हेलो नवलगढ़ से, और आज हम विजिट करने आए हैं गुरु कृपा पब्लिक स्कूल घोड़ीवाला। सो मैं मेरे कैमरामैन गौरव से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार आप स्कूल विजिट करवाइए कि बाहर से स्कूल कैसा दिखता है। और ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी स्पोर्ट्स वगैरह भी करवाए जाते हैं। और उधर देख, जो लोग दूर दूर से आते हैं, जो स्टूडेंट अदर लोकेशन से आते हैं, उनके लिए यहाँ पे बसों की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल करवाई जाती है। और आगे हम स्कूल के जो चेयरमैन हैं और स्कूल के जो बच्चे हैं, उनसे अपन डिस्कशन करेंगे स्कूल की फैसिलिटीज़ क्या क्या है, स्टडी के बारे में अपन यहाँ पे उनके साथ डिस्कशन करेंगे। स्कूल के बच्चों से अपन मिलते हैं। आपका नाम क्या है? इशिता। कौन से स्टैंडर्ड में हो? 8th। एडमिशन कब लिया था आपने यहाँ? 15-16 डेज पहले। मतलब न्यू स्टूडेंट। तो लास्ट स्कूल में जब आपका एडमिशन था एंड यहाँ भी आपने एडमिशन लिया है, तो लास्ट स्कूल से यहाँ आपको क्या क्या फैसिलिटीज देखने को मिल रही, क्या अच्छा लगा आपको यहाँ? यहाँ की टीचर्स बहुत अच्छी, अच्छे से एक्सप्लेन करती है एंड इंग्लिश में बातें करती है। और गेम्स, कोडिंग लैब। सो एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है जो कि बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को अदर एक्टिविटीज़ भी करवाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका नाम? जयश्री। कौन से स्टैंडर्ड में हो गया? 8th। ओके, यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती है? मैम, यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट्स पे फोकस नहीं करा जाता, यहाँ पर रीजनिंग, यहाँ पर वैदिक मैथ्स, कोडिंग और जीके की एक्स्ट्रा क्लासेस ऐसे लगती हैं। ओके, सो एजुकेशन के साथ साथ इनको यहाँ पे अदर तैयारीज भी करवाई जाती है ताकि आगे जाके कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे तो वो इनके लिए बेनिफिशियल रहे। सो कोडिंग के बारे में बताइए आप। कोडिंग, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे आजकल की दुनिया में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स का उपयोग हो रहा है, साथ ही साथ सारी की सारी चीज़ें हमें कंप्यूटर्स पर मिल जाती हैं, और कंप्यूटर्स को काम करने के लिए कोडिंग की ज़रूरत होती है। मैंने स्कूल में 8th क्लास में एडमिशन लिया था, जब ये स्कूल पहले साल ओपन हुई थी तभी से हमें कोडिंग के बारे में सिखाया जा रहा है। और वैसे 3rd क्लास से बच्चों को कोडिंग शुरू करवा दी जाती है, और अलग अलग लैंग्वेजेस जैसे HTML, CSS, JavaScript आदि सिखाई जाती है। इनसे बच्चे आगे जाकर ऐप डेवलप कर सकते हैं एवं अनेक इंडस्ट्रीज में वर्क भी कर सकते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अभिनय है। कौन से स्टैंडर्ड में हो? 6th। तो अभी इस टाइम आप बाहर कैसे खेल रहे हो? हमारा स्पोर्ट्स का पीरियड है। ओके, तो यहाँ आप ऐसे खेल रहे हैं या फिर सिखाया भी जाता आपको? हमारे कोचेज हमें प्रैक्टिस करवाते हैं। तो हम अभी स्कूल के मेश में आ चुके हैं और यहाँ लंच टाइम चल रहा है, सो बच्चों से कुछ डिस्कशन करते हैं। आपका नाम क्या है? मैम, मेरा नाम दर्शन सैनी है। ओके, कौन से स्टैंड में हो? आई एम 11th क्लास। ओके, कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम जयपुर। जयपुर में मतलब इतनी सारी स्कूलें हैं, बट आप यहाँ क्यों स्टडी के लिए यहाँ कैसे आए? यहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ के स्कूल टाइम में जो फैकल्टीज़ है वो बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छी तरीके से हमको गाइडलाइंस देते हैं, गाइड करते हैं टीचर्स। और हम एक तो हॉस्टलर्स है, तो हमारे हॉस्टल में भी सेल्फ स्टडीज़ कैंप लगते हैं, नाइट कैंप चलता है, पूरा डे हमारा शेड्यूल्ड होता है। और मेरा यहाँ पे 3rd ईयर है, तो मैं यहाँ से इस स्कूल से पूरा सेटिस्फाइड हूँ, यहाँ की फैसिलिटीज मेरे को बहुत पसंद है। लंच टाइम चल रहा है, तो यहाँ आपको खाना कैसा मिलता है, मतलब खाने के लिए क्या बोलूँगा? यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है, एकदम हेल्दी फूड है। सेटिस्फाई हो मतलब आप यहाँ की स्टडी से भी और टोटली? यस मैम। हम अभी सीनियर विंग में आए हैं और ये सीनियर स्टूडेंट्स हैं। आपका नाम? वंश। आपका नाम? भावना। कौन से स्टैंडर्ड में हो? साइंस। ओके, सो साइंस स्कूल में जैसा साइंस फैकल्टी चलती है, और यहाँ आप साइंस के लिए क्या बोलना चाहोगे, कैसी स्टडी है यहाँ? हम 10th में भी यहीं थे, 11th में भी यहीं थे, और अब 12th में भी। मतलब आप यहाँ की स्टडी से काफ़ी सेटिस्फाइड, इसलिए आप अभी तक यहाँ पे? टीचर्स काफ़ी अंडरस्टैंडिंग, और मतलब प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से सॉल्व करते हैं, एकदम फ्रेंडली नेचर है। आपकी स्टडी कैसे चल रही है? बहुत अच्छी। 10th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए आप क्या बोलना चाहोगे यहाँ के लिए? अभी फिलहाल तो मतलब जिन्होंने 10th पास आउट किया है और सोच रहे हैं कि साइंस स्ट्रीम लें, तो उनके लिए तो आई गेस गुरु कृपा इज बेस्ट है। हमने तो यही फील किया है। आप क्या बोलना चाहोगे? हमने यही फील किया कि गुरु कृपा से अच्छा प्लेटफॉर्म साइंस के लिए नहीं।
अभी हम आए हैं प्राइमरी विंग में, सो इन छोटे छोटे बच्चों से पूछते हैं कि इनकी स्टडी कैसे चल रही है। आपका नाम क्या है? यशेश। कौन से स्टैंडर्ड में हो? ओके। और यहाँ मतलब स्टडी कैसे चल रही है आपकी? स्टडी अच्छी है और इधर कैरिकुलर एक्टिविटीज भी होती है, गेम्स भी खिलाते हैं और सर टीचर भी बहुत अच्छे। मतलब आप स्टडी के साथ साथ यहाँ गेम्स भी इंजॉय करते हो? I think that this school is better than all the schools. I am feeling okay here and I think that I can study here for the 12th class. So, हम अभी आए हैं गुरुकृपा स्कूल के चेयरमैन महेंद्र रणवा जी के पास। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। ओके सर से कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्कूल के बारे में। अभी सर जैसे न्यू एडमिशंस वगैरह चल रहे हैं और स्कूल क्लास कहाँ से कहाँ तक की है? आप सभी को नमस्कार। गुरुकृपा पब्लिक स्कूल घोड़ीवारा इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल है जो नर्सरी से लेकर 12th साइंस तक CBSE बोर्ड में रन कर रहा है और RBSE इंग्लिश मीडियम में क्लास 9th से लेके 12th साइंस तक रन कर रहा है। 11th 12th में हमारे पास ओनली साइंस स्ट्रीम ही हम रन कर पा रहे हैं। CBSE के जो एडमिशंस हैं वो नर्सरी से लेके और 9th और 11th साइंस के एडमिशन वो अभी चल रहे हैं। 10th और 12th में डायरेक्ट एडमिशन हम CBSE में नहीं ले रहे हैं, तो क्लास नर्सरी से लेके 9th और 11th तक के CBSE के एडमिशन अभी चल रहे हैं। साथ ही RBSE इंग्लिश मीडियम, क्योंकि RBSE का सेशन है वो अप्रैल में एंड होता है, तो अभी मई से उनके एडमिशन हमने स्टार्ट किए हैं। तो RBSE में 9th 10th और 11th साइंस में मैथ्स और बायो दोनों के ये एडमिशन हमने अभी मई से स्टार्ट किए, तो ये नए सेक्शन 9th 10th 11th के बनेंगे तो इनके एडमिशन चलेंगे। हाँ, 12th साइंस में भी हम डायरेक्ट एडमिशन RBSE में भी नहीं लेते क्योंकि हमारी सीटें ऑलरेडी उनकी फुल है। तो नए एडमिशन हैं वो CBSE में नर्सरी से 9th और 11th साइंस तक और RBSE इंग्लिश मीडियम में 9th 10th और 11th साइंस में चल रहे हैं। फैकल्टीज की बात करें तो अभी आप साइंस मतलब रन कर रहे हो ना, साइंस फैकल्टीज? जी जी, केवल 11th 12th में चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे RBSE बोर्ड हो, ओनली साइंस स्ट्रीम ही हम रन कर रहे हैं। अदर स्कूल्स से यहां क्या मतलब क्या फैसिलिटीज अलग है? देखिए, स्कूल्स की फैसिलिटी की अगर मैं बात करूं तो हमारा ये फोकस है स्टार्टिंग से कि गुरुकृपा स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जिसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, यानी एक ऑल ओवर डेवलपमेंट अपन जिसको कहते हैं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब लॉन्च हो रही है उसमें भी ये साफ दिया हुआ है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर आज अपने को अपने बच्चे को आगे बढ़ाना है तो केवल उसको अपन बुक्स नॉलेज तक ही सीमित नहीं रख सकते, केवल किताबी ज्ञान तक अपन नहीं रख सकते। उस बच्चे की पर्सनालिटी में अपने को ऑल आउट डेवलपमेंट चाहिए, अपने को ध्यान देना पड़ेगा कि वो बच्चा एजुकेशन के साथ साथ में क्या वो बच्चा स्टेज पे जाके परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, क्या वो बच्चा स्पोर्ट्स में इंडल्ज हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या वो बच्चा म्यूजिक और डांस में भी इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा, क्या वो बच्चा जो एक्स्ट्रा उसका एकेडमिक्स है कोडिंग है उनमें भी इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम क्लासेस के अकॉर्डिंग एक करिकुलम है वो सेट करते हैं। जैसे नर्सरी LKG UKG जो प्री प्राइमरी होता है उसमें हम सैटरडे को बेगलेस भी रखते हैं, उन बच्चों के लिए एक अलग से करिकुलम डिजाइन है। फर्स्ट से फिफ्थ तक के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग से करिकुलम डिजाइन है। हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को ही हम कोडिंग लैब, यानी बच्चा कंप्यूटर का नॉलेज क्लास फर्स्ट से ही लेने लग जाता है, उसको कोडिंग की क्लासेज उसकी स्टार्ट हो जाती है। डेली बच्चे को, क्योंकि अपन बुकिस नॉलेज के अलावा उसको जनरल नॉलेज, मॉरल वैल्यूज, इनकी क्लासेज हमारे यहाँ अलग से रहती है। उसकी स्किल्स है, जो कॉग्निटिव स्किल्स है, लर्निंग स्किल्स है, उसको कैसे डेवलप किया जाए, उन सब चीजों पे हम स्टार्टिंग से ही फोकस रखते हैं। बच्चे को डेली का हम एक GK का क्वेश्चन देते हैं ताकि उसको अवेयर रहे कि वो क्या चल रहा है इस देश और दुनिया में। ठीक इसी तरह 6th 7th 8th में जब बच्चा आ जाता है तो 6th में ही हम स्कूलिंग के साथ ही बच्चे को रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर देते हैं, वैदिक मैथ्स की क्लास उसकी स्टार्ट है, GK की क्लास उसकी स्टार्ट है, इंग्लिश स्पोकन की क्लासेज उसकी स्टार्ट है। यानी बच्चे को एक उसका एकेडमिक जो करिकुलम है NCERT का, उसके अलावा अगर बच्चा GPS में है तो कुछ ना कुछ उसको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। साथ ही स्पोर्ट्स की भी हम उन्हें सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं ताकि बच्चा ऑल ओवर डेवलपमेंट कर सके, वो डांस हो चाहे म्यूजिक हो। यानी ये कहें कि शिक्षा के साथ साथ में हम एक बच्चे का सर्वांगीण विकास लेके चलते हैं कि बच्चा जब 12th पास करके निकले तो उसमें सारी वो क्वालिटीज होनी चाहिए जो एक अच्छे आइडियल स्टूडेंट में हो। GPS जर्नी टू एक्सीलेंस शिक्षा संस्कार सफलता, ये लोगों का विश्वास हमारे जो अपने सारे पेरेंट्स जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि बच्चों पे किस लेवल पे ग्राउंड लेवल पे मेहनत की जाती है और उन बच्चों को किस तरह से तैयार किया जाता है। उनको एजुकेशन के साथ साथ में एक कस्बे में एक गाँव में स्कूल होके वो
और यहाँ कोई मेट्रो सिटी नहीं है, लेकिन मेट्रो सिटी की फैसिलिटीज हम बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं ताकि एक सामान्य गांव से निकला हुआ बच्चा, एक छोटे कस्बे से निकला हुआ बच्चा आगे निकल सके और जब वो हायर एजुकेशन के लिए जाए तो कभी उसके ये कसक नहीं रहे कि मैं तो गांव में पढ़ा हुआ हूँ। वो उसको फील नहीं आए जब वो आगे यूनिवर्सिटीज में जाए, मेडिकल कॉलेज में जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए, तो उसका एक पर्सनालिटी का जो ग्रूमिंग है वो दिखे कि हाँ बच्चे को फैसिलिटीज पूरी मिली हुई है। तो हम उस अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं।